हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आज जो पेपर था वो आप लोग पता होगा कि यूपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर था। उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आज मैं आप लोगों के साथ पुट करने वाला हूं, तो प्लीज पूरा वीडियो देखना और अपने हिसाब से अपना आंसर मिलाना कि कितने आप लोग आंसर करके आए हैं। आपको बता दें कि पेपर ज़्यादा टफ नहीं था इस बार, लोग बता रहे हैं। और आपको बता दें कि लगभग अनुमान है, जो जनरल की हम बात करें तो कट ऑफ लगभग 98-97 जाने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बता दें कि सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं बात करूँ तो विद रेफरेंस टू कार्बन नैनो ट्यूब्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन देखो, आप दिखाई पड़ रहा होगा, देखो आंसर यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहे हैं। फिर इसमें देखो ये लिखा गया है इसमें कि कौन कौन से सही हैं। मतलब तो इसमें लिखा हुआ है दे कैन बी यूज एज कैरियर्स ऑफ ड्रग्स एंड एंटीजेंस इन द ह्यूमन बॉडी। तो फ्रेंड्स बिल्कुल सही है, दे कैन बी मेड इनटू आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरीज फॉर एन इंजर्ड पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये भी सही है। दे कैन बी यूज इन बायोकेमिकल सेंसर्स, ये भी सही है। कार्बन नैनोट्यूब्स आर बायोडिग्रेडेबल, ये देखो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन थे इसमें जो राइट आंसर था वो था डी नंबर यहाँ पे। अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता दूँ, कंसिडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। देखो ये देखो क्वेश्चन आया है कि एक्टिविटीज की स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स ऑन अ क्रॉप फील्ड, इंस्पेक्टिंग द क्रिएटर्स ऑफ एक्टिंग वेलकेनोस, कलेक्टिंग ब्रीथ सैंपल फ्रॉम स्पाउटिंग वेल्स फॉर डीएनए एनालिसिस। तो इसका राइट आंसर जो फ्रेंड्स था वो डी नंबर इसका भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर, द एक्सपेरिमेंट विल एम्प्लॉय अ ट्रियो ऑफ स्पेसक्राफ्ट फ्लाइंग इन फॉर्मेशन इन द शेप ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल डेट हेज साइड्स एंड मिलियंस किलोमीटर्स लॉन्ग विद द लेजर शाइनिंग बिटवीन द क्राफ्ट। द एक्सपेरिमेंट इन क्वेश्चन रेफर्स टू, तो इसका राइट आंसर जो होगा इल्वोल्ड लिसा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, जेनेटिक चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द सेल्स दैट प्रोड्यूस एग्स और स्पर्म्स ऑफ अ प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स। अ पर्सन जीनोम कैन बी एडिटेड बिफोर बर्थ एट द अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज, ह्यूमन इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स कैन बी इंजेक्टेड इनटू द एम्ब्रियो ऑफ अ पिग। तो इसका जो राइट आंसर था ओनली टू नंबर फ्रेंड्स है ये, अ पेरेंट्स जीनोम कैन बी एडिटेड बिफोर बर्थ एट द अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स की व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ यूजिंग प्यूमोकल कंजगेट वैक्सीन इन इंडिया, यानी कि एक वैक्सीन के बारे में कुछ बात की गई, तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा दिस वैक्सीन आर इफेक्टिव अगेंस्ट फिनोमिया एज वेल एज न्यूमोनिया एज वेल एज मेनिंगिटिस एंड स्पेस सेप्सिस, डिपेंडेंस ऑन एंटीबायोटिक्स दैट आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट डायरेक्ट रेजिस्टेंस बैक्टीरिया कैन बी रिड्यूस्ड। तो इसका राइट आंसर जो दोनों हो जाएगा, इनकी दोनों यही सही हैं। नेक्स्ट हम लोग बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इन इंडिया द टर्म पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर इज यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, यानी कि जो पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर है किस लिए यूज किया गया, तो डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज किया गया है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द जनरल डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स, यानी कि प्लांट एंड एनिमल सेल्स से रिलेटेड बायोलॉजी का क्वेश्चन था। यानी क्वेश्चन बायोलॉजी से भी काफ़ी अच्छे हैं, स्टार्टिंग बायोलॉजी के क्वेश्चन दो देखने को मिल रहे हैं, आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजन सेक्टर फ्रॉम एक्सपोजर टू बेंजीन पोल्यूशन। फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को इतने से बता दिए थे, आप लोगों को पूरा पेपर का हल चाहिए तो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में मेरे को बता देना, मैं आप लोगों को पूरा पेपर सॉल्व करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू विदड्रॉ 1 lakh इन कैश फ्रॉम योर रिमांड डिपॉजिट अकाउंट एट योर बैंक, द इमीडिएटली इफेक्ट ऑन एग्रीगेट मनी सप्लाई द इकोनॉमी विल बी टू इंक्रीज बाय मोर देन 1 lakh, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म पैरामीटर्स, ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री द रखमबाई केस ऑफ 1884 रिवोल्ड अराउंड, यानी किस लिए हुआ था 1884 का रिवोल्ड, इसके बारे में आप लोगों को बताना था। इंडिगो कल्टिवेशन इन इंडिया डिक्लाइंड बाय द बिगनिंग्स ऑफ 20th century बिकॉज ऑफ इट्स इनफॉर्टेबिलिटी इन द वर्ल्ड मार्केट बिकॉज ऑफ न्यू इनोवेशन, यानी कि बी ऑप्शन सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, वेलिसली एस्टेब्लिश्ड द फोर्ट विलियम्स कॉलेज एट कोलकाता बिकॉज, यानी कि जो फोर्ट विलियम कॉलेज था कोलकाता में वो वेलिसली ने कब स्थापित किया था इसके बारे में मतलब पूछा गया है। ही वॉन्टेड टू रिव्यू इंटरेस्ट इन ओरिएंटेड लर्निंग इन इंडिया,
इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो आई थिंक इसका राइट आंसर है बी, सॉरी डी वाला। ही वांटेड टू ट्रेन ब्रिटिश सिविलियन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस इन इंडिया, इसलिए। विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उल गुलान आर द ग्रेट टुमुल्ट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। तो इसका राइट आंसर जो था द मापिल्ला रिबेलियन ऑफ 1921। यानी कि आप लोग इसकी अपने आंसर देख सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसे चल रही थी, सही है या फिर गलत चल रही है। आप लोग खुद इस पर करेक्शन कीजिए और उसी अनुसार से पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द स्कॉलर्स लिटरेचर ऑफ एंशिएंट इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अमर सिम्हा इज एसोसिएटेड विद हर्षवर्धन, कालिदास इज एसोसिएटेड विद चंद्रगुप्त सेकेंड, ये सही आंसर है। पाणिनि इज एसोसिएट विद पुष्यमित्र शुंग, तो ये फ्रेंड्स हमारा मन कर रहा था ये इसका राइट आंसर नहीं है, तो ओनली थर्ड वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा कि जो कालिदास थे वो सहयोगी थे चंद्रगुप्ता सेकेंड के पीरियड में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिसेंट एडवांस इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, प्रोन्यूक्लियर ट्रांसफार्मर इज यूज्ड फॉर, यानी कि जो ये वाला क्वेश्चन है ये भी पूछा गया है, तो प्रिवेंशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेज इन ऑफस्प्रिंग, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद द पेरेंट्स स्टेट ऑफ डेवलपमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन इफेक्टली टू डू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका राइट आंसर जो फ्रेंड्स है वो हो जाएगा, इसमें आप लोगों को बता दूं तो हो जाएगा 1, 2, 3, 4 यानी कि 5, सभी के सभी राइट आंसर इसके हो जाएगा। डिजीज डायग्नोसिस, टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन, वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ब्रिंग डाउन इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन इन इंडस्ट्रियल यूनिट, क्रिएट मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरीज एंड सॉन्ग, ऐसा क्वेश्चन इसका राइट आंसर था फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द विजिबल लाइट कम्युनिकेशन VLC टेक्नोलॉजी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, यानी कि जो VLC है ये यूज की जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेट स्पेक्ट्रम के लिए, इसकी वेवलेंथ 375 से 780 नॉटिकल मील होती है। VLC नॉन एज लॉन्ग रेंज ऑप्टिकल वायरलेस, ये गलत हो जाएगा। VLC इन कैन ट्रांसमिट लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा फास्टर देन ब्लूटूथ, ये सही हो जाएगा। यानी कि इसका 1, 2 जो फ्रेंड्स है 1, 2 और VLC हैज़ नो इलेक्ट्रोमैग्नेट इंटरफेरेंस, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स मेरे हिसाब से तो होने वाला है 1, 2, 1, 3, 4 यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। 20 नंबर, विद रेफरेंस ऑफ द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, यानी कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है इसके बारे में बताया गया है इसमें, तो इसमें ब्लॉकचेन जो है तो इसमें इट इज़ अ पब्लिक लीडर लेडगर डेट एवरीवन कैन इंस्पेक्ट बट विच नो सिंगल यूजर कंट्रोल्स, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन कुछ पूछे गए फ्रेंड्स, यानी कि 100 क्वेश्चन थे, आप लोगों को पता होगा 100 क्वेश्चन आते हैं। तो फ्रेंड्स यदि आप लोगों को इसका पूरा चाहिए, मेरे को PDF चाहिए, तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को इसका PDF जो है प्रोवाइड करा दूंगा, आप मेरे को WhatsApp कर देना 9450541895, मैं आप लोगों को ये PDF भेज दूंगा इस पेपर की। और आप लोगों को मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना होगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर एक अपडेट आप तक मैं देता रहूँगा। तो फ्रेंड्स मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। लास्ट क्वेश्चन है, आप लोगों को एक और बता दूं कि इसमें पूछा गया है व्हाट इज़ द यूजेज ऑफ बायोचार इन फार्मिंग, यानी कि बायोचार क्या होता है। तो बायोचार कैन बी यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ द ग्रोइंग मीडियम इन वर्टिकल फार्मिंग, व्हेन बायोचार इज अ पार्ट ऑफ द ग्रोइंग मीडियम इट प्रोमोट्स द ग्रोथ ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, विच बायोचार इज द पार्ट ऑफ द ग्रोइंग मीडियम इन, तो इसका राइट आंसर होगा 1, 2, 3 यानी कि सभी सही हो जाएंगे, इसका राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन अच्छे थे। विद रेफरेंस ऑफ इंडियाज बायोडाइवर्सिटी साइक्लोन फॉग माउथ कैप्रिस्मिथ बर्बेट ग्रे चिंड मिनीवेट एंड व्हाइट थ्रोटेड रेड स्टार्ट आर क्या है, तो इसका होता प्रीमेट्स होगा। तो फ्रेंड्स मिलेगा, तो तक जय हिंद जय भारत, तक लिए वीडियो को लाइक जरूर कर देना।